Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the module of Global Marketing. Today's lecture is about global competitors. Today's 11th lecture and part A of this chapter, global competitors, will be discussed in today's lecture, and part B will be the part of our discussion in next lecture. Before we proceed, let's have a look at what we covered in our last lecture. We discussed about business market, especially we discussed about marketing to global buyers. Ke aap jab global buyers jo ke globally buy karte hain things from foreign companies, foreign countries se buy karte hain, unko kaise deal karte hain. While talking about these global buyers, हमने बात की कि ये बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करते हैं फॉर द ग्लोबल मार्केटियर्स. हमने टू काइंड्स ऑफ ग्लोबल बायर्स डिस्कस की थी, जिसमें नेशनल ग्लोबल बायर्स, ये वो बायर्स हैं जो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स जो कि एक सिंगल मार्केट में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल, ये बाय करेंगे प्रोडक्ट्स, वो मशीन्स, वो इक्विपमेंट जो उन्हें हेल्प करेंगे किसी एक कंट्री में, किसी एक मार्केट में. देन हमने सेकेंड टाइप ऑफ ग्लोबल बायर्स जो डिस्कस की थी, दैट इज़ मल्टीनेशनल ग्लोबल बायर्स. और हमने डिस्कस करते हुए ये बात की थी कि मल्टीनेशनल ग्लोबल बायर्स ये वो बायर्स हैं जो कि बाय करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कि थ्रू आउट द ग्लोबल ऑपरेशन वो यूज़ करते हैं. उसकी एप्लीकेशन सिर्फ एक कंट्री में नहीं होती, उसकी एप्लीकेशन थ्रू आउट द ग्लोब होती है. उसकी एप्लीकेशन जिसमें हमने बात की थी कि सच बायर्स में इंक्लूड सम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. बिकॉज बोथ ग्लोबल एंड मल्टीनेशनल एंड नेशनल ग्लोबल बायर्स ये डिपेंड करते हैं, ये आर रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड अबाउट सप्लायर्स एंड प्राइसेस. कंपटीशन फॉर देयर बिजनेस टेंड्स टू इंसेंस इंटेंस होता है इनके कंपटीशन फॉर देयर बिजनेस, जो कि इन कंपनीज को सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उनके लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है. अब जो मल्टीनेशनल ग्लोबल बायर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज अकाउंट, ये बड़े कस्टमर होते हैं. इनको सेल करना इज़ नॉट ईजी, ये हमेशा बड़ा ऑर्डर देते हैं. इसके लिए इनके पास सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है. ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, इनकी प्रोक्योरमेंट एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड इनका प्रोसीजर होता है. एंड जो इनके सप्लायर्स होते हैं, जो कंपनीज इनको सेल करती हैं, वो ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट के असूल फॉलो करती हैं, टेक्टिक्स फॉलो करती हैं. ये अकाउंट्स, ये इनके बायर होते हैं, ये जो ग्लोबल बायर्स होते हैं, इनके लिए स्पेसिफिकली स्टाफ रखते हैं जो सिर्फ किसी एक ग्लोबल बायर को सर्व करते हैं. क्योंकि ग्लोबल बायर्स, मल्टीनेशनल ग्लोबल बायर्स बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, बड़े अकाउंट होते हैं जो कि बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं किसी भी सप्लायर के लिए. बड़े ऑर्डर्स होते हैं, ये बल्क में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करते हैं. देन हमने गवर्नमेंट मार्केट की डिस्कशन की कि गवर्नमेंट मार्केट, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट्स होती हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन जो कि करती हैं, ये बड़े लेवल की ट्रांजेक्शन होती हैं. फॉर एग्जांपल, हमने बात की थी 80% ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो गवर्नमेंट्स हैंडल करती हैं. और यूएस गवर्नमेंट की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि ये मोर गुड्स एंड सर्विसेज बाय करती है देन एनी अदर गवर्नमेंट्स, एनी अदर बिजनेस, एनी अदर इंडस्ट्री और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. सेलिंग जो की जाती है गवर्नमेंट बायर्स को, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो सेल इन्हें करती हैं, बहुत लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है इन्हें, ठीक है. बट सेलिंग इन गवर्नमेंट्स को करना इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द फर्म्स. वाई? बिकॉज इट कैन यील्ड लार्ज रिटर्न
प्रॉफिट जो जनरेट कर सकती हैं आपकी कंपनीज़ जो कि फॉरेन कंपनीज़ इन गवर्नमेंट्स को सेल करके, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत इनार्मस हो सकता है। कितना बड़ा ऑर्डर हो सकता है जो गवर्नमेंट सेल बाय कर सकती है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर सारे फहरिस्त हैं, या पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ द कंट्री सबसे टॉप पे है। हाईली डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर फ्री मार्केट कंट्रीज हैं। द गवर्नमेंट प्लेज लेस रोल देन इन अदर मार्केट्स। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता बाइंग या सेलिंग पे, यहाँ पे दारों का अपना रोल होता है, जो परचेज करते हैं उनका ज़्यादा रोल होता है। अब गवर्नमेंट जितनी अमाउंट परचेज करती है, इट इज़ फंक्शन ऑफ स्टैंड ऑन ऑपरेशंस। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट जो है ना, ऑपरेशन क्या ऑन करती है, पोस्टल सिस्टम ऑन करती है। सो इससे रिलेटेड सारी परचेजिंग, पोस्ट से रिलेटेड, पोस्टल जो कोरियर से रिलेटेड परचेजिंग है, ये सारी गवर्नमेंट करती है। बहुत सारी चीज़ें ऑन नहीं कर रही, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट वो बहुत सारे बिजनेसेस ऑन करती है, बहुत सारे ऑपरेशंस ऑन करती है, बहुत सारी सर्विसेज एंड ये ऑन करती है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक, गैस, ऑयल, एयरलाइन, रेलवे एंड शिप बिल्डिंग के इंडस्ट्रीज सारी इंक्लूडेड है। अब आप देखें जो कंपनीज या फॉरेन जो सेलर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को सर्व कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस इंडियन गवर्नमेंट ऑन करती है। जब हम गवर्नमेंट की मार्केट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का बाइंग प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या चीज़ें देखकर बाय करती है, कैसे बाय करती है। उसमें हमने बात की थी बिडिंग होती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट जो सेल करती है थ्रू बिडिंग करती है, उसमें सील्ड बिडिंग आप प्रोवाइड करते हैं, देन गवर्नमेंट वो वाला सप्लायर सेलेक्ट करती है जिसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी होती हैं, या वो सप्लायर सेलेक्ट करती है जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, चीप होता है। ज़्यादातर लोकल सप्लायर को बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो लोकल सप्लायर हो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करें। अल्टरनेटिवली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री में ज़्यादातर गवर्नमेंट लोकल सप्लायर्स इतने अवेलेबल नहीं होते गवर्नमेंट को, तो फॉरेन कंपनीज के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल है, और बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं सोफिस्टिकेटेड R&D से रिलेटेड, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, उनके लिए मौके ज़्यादा होते हैं कि वो बिड्स विन कर सकें एज़ कम्पेयर टू लोकल सप्लायर। देन गवर्नमेंट की मार्केट की डिस्कशन में हमने बात की थी, गवर्नमेंट की जो मार्केटर्स हैं वो परस्यू करते हैं गवर्नमेंट सेल्स इन हाई टेक फील्ड्स में, आल्सो रन अफाउल ऑफ नेशनल एजेंडा ऑफ देयर होम कंट्री। बहुत सारी उन्हें थ्रेट अपने होम कंट्री से भी होते हैं, उनके होम कंट्री लिमिट करते हैं उन्हें कि क्या आप सेल कर सकते हैं और क्या सेल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स उनकी जो होम कंट्री की होती हैं, समटाइम्स वो उन्हें टेक्नोलॉजीज़ लाइक न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर से एटम से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ नहीं सेल करने देती, या प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने देती। कंप्यूटर्स US की गवर्नमेंट उस पर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी सेल करने नहीं देती दूसरे कंट्रीज़ को। टेली कम्युनिकेशन और जो मिलिट्री वेपन से रिलेटेड ये थिंग्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट्स अपनी कंपनीज जो कि उसकी होती हैं उसकी कंट्री की, उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो ज़्यादा सेलिंग करें आउटसाइड। अब गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट करती हैं बायर को, इसकी एक एग्जांपल बेल्जियन गवर्नमेंट की हम देखते हैं, जो कि 90% ऑफ जो बायर्स हैं पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करती हैं लोएस्ट बिडर को। उसमें मैन्युफैक्चरर जो है जो बेल्जियन का होगा उसको अवार्ड करती हैं, यूरोपियन इमेज से रिलेटेड जो सप्लायर उनको अवार्ड करती हैं, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो जानता है उसको अवार्ड करती हैं, जो कंपनी उनकी लोकल लेबर को रिक्रूट करता है उसको अवार्ड करेंगी, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है या लेकर आता है उनको अवार्ड करती हैं ये। और इसके अलावा लोकल कंट्रैक्टर्स जो के होंगे कोशिश होती है इनको वो अवार्ड करें। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे प्रोसीजर है, क्या है जिसके थ्रू विन किए जाते हैं, हमने अपने लास्ट लेक्चर में वो भी बात की थी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बहुत सारी स्क्रीन्स हैं जो
फॉलो करते हैं गवर्नमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स फिन करना चाहते हैं, उन्हें ये सारे क्राइटेरियाज फिल करने होते हैं। जो हमने बात की थी कि 5 क्राइटेरियाज हैं, 5 ऐसी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है या हर्डल्स हैं जिनको पास करना पड़ता है इन ऑर्डर टू विन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने बात की थी एलिजिबिलिटी स्क्रीन है, देन प्रोसीजरल स्क्रीन है, देन लिंकेज स्क्रीन है, देन उसके बाद कंपेटिटिव स्क्रीन है एंड इन्फ्लुएंस स्क्रीन है। ये 5 स्क्रीन है जो कि गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि या गवर्नमेंट्स कंप्लीट क्रिएट करती हैं फॉर द बिडर्स टू मैनेज या टू पास। इसमें जो एलिजिबिलिटी स्क्रीन है, इन ऑर्डर टू मेक बिड बिडिंग प्रोसेस एफिशिएंट एंड मैनेजेबल, गवर्नमेंट सीक टू वीड आउट फर्म्स दैट आर नॉट सीरियस और या बहुत छोटी हैं या सीरियस नहीं है, उनकी कोशिश होती है किसी तरीके से सबसे पहले वो एलिमिनेट हो जाएं। गवर्नमेंट्स उनके लिए कम्प्लेक्स कर देती है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सऊदी गवर्नमेंट ये करती है कि वो आप बिड अगर करनी है तो $100,000 $1,00,000 की फ़ी जो है वो बिड के साथ या बॉन्ड ऑफ फॉर 1% ऑफ टेंडर वैल्यू वो आपको देना पड़ता है। सो इसमें यह है कि बहुत सारी स्मॉल फर्म्स या जो सीरियस इतनी फर्म्स नहीं है जिनमें कैपेबिलिटीज नहीं है वो एलिमिनेट हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर अप्रोच यूज़ की जाती है डिफेंस और सिविल एविएशन की इंडस्ट्रीज़ में। समटाइम्स गवर्नमेंट जिस ये प्रोसीजर हैंडल करने के लिए एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लेती है जो कि बिडिंग के प्रोसेस को मैनेज करती है, सारे प्रोसेस को मैनेज करके बिडिंग वो एक उन्हें कॉन्ट्रैक्टर या एक सप्लायर विन करके देती है। सो बहुत सारी एक्सटर्नल फर्म्स इस तरह विन कर लेती है, ये हायर कर लेती है गवर्नमेंट। देन प्रोसीजरल स्क्रीन सेकंड स्क्रीन थी जो हमने डिस्कस की थी कि एट दिस पॉइंट न्यूमरस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड, जो कि फॉर्म फिलिंग है, बहुत सारे ऐसे जो कि फॉर्म्स को फिल करना प्रॉपरली, उनकी सबमिशन, एंड ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जिसका कंपनीज़ को नॉलेज इतना नहीं होता, सो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है फॉर द कंपनीज टू डू इट प्रॉपरली। लिंकेज स्क्रीन थर्ड थी जो कि हमने बात की। लिंकेज स्क्रीन में हमने कहा कि गवर्नमेंट उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो यूजली एम्प्लॉय करते हैं या लिंक क्रिएट करते हैं लोकल फर्म्स के साथ। इसमें समटाइम्स लोकल फर्म के साथ वो जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, यानी कि पार्टनरशिप काइंड ऑफ थिंग के दोनों मिलकर वो ऑर्डर है जो फुलफिल करेंगे गवर्नमेंट का, इस तरह के ये लिंकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। देन कंपेटिटिव स्क्रीन हमने फोर्थ स्क्रीन डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट उस सप्लायर या उस फॉरेन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी जो के सबसे कंपेटिटिव प्राइस पे अच्छी प्रोडक्ट या अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट को। इसमें फॉरेन फर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि लार्ज प्रोजेक्ट्स जो हैं ये समटाइम्स मोर देन 1 ईयर लेते हैं, मल्टीपल ईयर्स लेते हैं। सो दे हैव टू नेगोशिएट द सिचुएशंस, द रिक्वायरमेंट्स एंड थिंग्स विद द गवर्नमेंट, एंड थिंग्स यूजली इवॉल्व करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं, ये भी कंपनीज को माइंड में रखना चाहिए। देन इन्फ्लुएंस स्क्रीन है, कंपनी के लिए या फॉरेन कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो फाइंड करे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकिंग पे उनका इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आर्मी के लोग या नेवी या एयरफोर्स के लोगों का रोल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा होगा जब वो बाय कर रहे होंगे प्रोडक्ट। सो आपने उन लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर टास्क या ये एक चैलेंज है फॉरेन कंपनीज के लिए जो कि इजी टू हैंडल नहीं है। देन हमने बात की कि ब्राइबरी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट फर्म्स के लिए, कि गवर्नमेंट के लिए एजेंसीज के लिए, कि समटाइम्स फॉरेन कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए अनएथिकल मीन्स यूज़ करती हैं, जैसे कि ब्राइबरी है, रिश्वत देती हैं। उसमें ये कंपनीज फाइंड आउट करती हैं कौन से लोग की पोजीशन पे हैं, और अगर चंद लोग हैं, मोर लेस देन 10 पीपल हैं या 5 पीपल हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू बाय दोज पीपल जो को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग को। उनको ये रिश्वत देते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं जिसकी बेस पे वो इनको कॉन्ट्रैक्ट विन करके देते हैं। ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में एपिडेमिक बहुत ज़्यादा है जो कि गरीब कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इथोपिया, युगांडा, गाना, कीनिया, बांग्लादेश,
کرپشن جن کنٹریز میں زیادہ ہے. اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ سارے بہت میجورٹی آف دا کنٹریز جو کہ یورپ میں ہیں وہاں پہ کرپشن بہت تھوڑی ہے. جس طرح کے کنٹریز ہیں فن لینڈ, ڈینمارک, نیوزی, آئس لینڈ, سویڈن, لگزمبرگ, ناروے, سوئٹزرلینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کنٹریز لائک آسٹریا اور آئرلینڈ, جرمنی, اسپین, فرانس, بیلجیم, پرتگال, یہ سارے وہ کنٹریز, یہ ان کنٹریز میں کمپیریٹیولی بہت کم ہے کرپشن. بیکاز یہاں پہ ایک فیکٹر جو کم کرپشن کے لیے بہت یہ جو کہ ریزن ہے, دیٹ از پاور ڈسٹینس, اور ویلتھ بھی لوگوں کے پاس اچھی ہے, سو کرپشن کرنے کے ان کو کوئی ریزن نہیں بنتی. لیکن اس پہ ایک ہم نے ڈسکس کی تھی جو تھنک کہ سم ٹائمز کمپنیز ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس دیتی ہے جو کہ ایک پروسیجرس کو تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے, کہ اگر آپ نے فارم سبمٹ کیا ہے تو آپ ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس دے سکتے ہیں کی پرسنس کو کہ یار ہمارے فارم پہ جو ڈیسیژن ہے جتنا جلدی ہو سکے آ جائے, اس پہ آپ ایکسٹرا انہیں پے کرتے ہیں. سم ٹائمس اٹ از آلسو کنسیڈرڈ ان ایتھیکل, بٹ کمپنیز سے کہ یار وی ڈونٹ انفلوئنس دا آؤٹ کم آف دا ڈیسیژن, ہم تو صرف اس پروسیجر کو تیز کرنے کے لیے دیتے ہیں یہ ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس. نو لیٹ سی لرننگ آبجیکٹیوز آج کے چیپٹر کے کیا ہیں. After attending today's lecture, you should be able to describe ways in which one global competitor can address another global competitor. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ میں اتنی کیپیبلٹیز آ جانی چاہیے کہ ایک کمپیٹر کس طرح گلوبل کمپیٹر دوسرے سے کمپیٹ کر سکتا ہے, کس طرح ان چیلنجز کو ایڈریس کر سکتا ہے, اس کوشچن کا آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو لسٹ اینڈ ایکسپلین فور بیسک اسٹریٹجک آپشنز دیٹ لوکل فرمز کین امپلوائے ان دا فیس آف کمپٹیشن فرام ملٹی نیشنل فرمز. کیسے لوکل فرمز ملٹی نیشنل فرمز کو فیس کر سکتی ہیں, کیا ان کے پاس اسٹریٹجیز ہے, ہاؤ ڈو دے مینیج ٹو ٹیکل دوز فرمز. دین یو شوڈ ایکسپلین ہاؤ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کمپٹیشن ہیو ایوولڈ, کہ کیسے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کمپٹیشن چینج ہوا ہے ڈفرینٹلی ان ڈفرینٹ کلچرز, کلچر ٹو کلچر کیسے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کمپٹیشن ویری کرتا ہے. ہم یوروپ اور دوسرے کلچرز کی اس میں ایگزامپل لیں گے, ہم ایگزامپلز فرام بوتھ ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز لیں گے. دین یو should be able to note examples of how home governments can still support the global competitiveness of their firms despite the trend towards trade liberalization. Then you should be able to discuss the major competitors from developing countries, kaun kaun se competitors in developing countries mein state owned enterprise and business groups, and explain how they differ from multinational companies. Then you should be able to describe how a firm's country of origin can help or hurt it in global marketplace. A country of origin کا کیا فائدہ ہے یا کیا اس کا نقصان ہے کسی بھی گلوبل پلیس میں جب آپ سیل کر رہے ہوں. چیپٹر اوور ویو, کیا اس چیپٹر میں ہم کور کریں گے. گلوبلائزیشن آف کمپٹیشن ول بی پارٹ آف اوور ڈسکشن, اسٹریٹجک آپشنز فار لوکل فرم ول بی پارٹ آف اوور ڈسکشن, کلچرل ایٹیٹیوڈس ٹوارڈ کمپٹیشن دیٹ ول بی پارٹ آف اوور فرم, یہ پارٹ اے میں ڈسکس کریں گے, یہ آج کے لیکچر کا پارٹ ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا پارٹ بی ہوگا جس میں ہم ہاؤ کنٹری ایکشنز اینڈ گلوبل کمپیٹیونیس, ہوم کنٹری ایکشنز اینڈ گلوبل کمپیٹیونیس ڈسکس ہوگا, اینڈ کمپیٹیٹرز فرام ایمرجنگ مارکیٹس الانگ ود دا کنٹری آف اوریجن ایڈوانٹیج ہوگا. یہ ہمارا چیپٹر آؤٹ لائن ہے, اس میں ہاف آف اٹ ول بی ڈیلیورڈ ٹو ڈے بائی می, اینڈ سیکنڈ ہاف جو ہوگا نیکسٹ لیکچر کا پارٹ ہوگا, ہم اس میں ڈسکس کریں گے. سو گلوبلائزیشن آف کمپٹیشن, یو نو دیٹ میجر جو کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں, جیسے کہ کمپنیز لائک کوک ہے, کوکو کولا, کمپنیز لائک میکڈونلڈ, کمپنیز لائک وولوو, کمپنیز لائک ایچ پی, کمپنیز لائک آئی بی ایم, کمپنیز لائک جنرل الیکٹرک, کمپنیز لائک میٹسوبیشی, یہ صرف اپنے ملک میں دوسرے کمپیٹرز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ ان کا کمپٹیشن بہت ساری کمپنیز کے ساتھ, بہت ساری فرمز کے ساتھ گلوبلی ہوتا ہے. اب ان آرڈر ٹو بی سکسیزفل ان گلوبل مارکیٹس, یہ فرمز کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کا پوٹینشیل بائر کون ہے, بلکہ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ انہیں کون سے ایسے کمپیٹیٹرز ہیں جن سے
threats हैं. अब क्यों उनके लिए understand करना जरूरी है? Because ये उन्हें strategies बनाने में help करेगा in order to win their customer better than their competitors. International जो global companies हैं, इन्हें advantage भी है और disadvantage भी होता है जब ये compete कर रही होती हैं globally किसी local firms के साथ, local firm के साथ. इन्हें advantage क्या होता है? इन्हें advantage हो सकता है कि इनके पास experience ज़्यादा है, इनके पास resources ज़्यादा हैं, इनके पास talented staff है, इनके पास बड़े brands हैं, अच्छी products हैं, services हैं, इनके पास R&D है, इनके पास resources ज़्यादा हैं, इनके पास product development and marketing की टेक्निक्स हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है इन चीज़ का. लेकिन दिस एक्सपीरियंस कैन बी ब्रॉट टू प्ले इन द न्यू मार्केट टू, ये अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं न्यू मार्केट में. ताहम लोकल जो कंपेटिटर्स हैं उनको अपने एडवांटेजेस हासिल होते हैं, उनको कुछ और उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं. वो उनके लिए क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं उनके, दे में बेटर अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर और डिफरेंसेस जो के हैं लोकल सोशल स्ट्रक्चर में, लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोकल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लैंग्वेज और डेमोग्राफिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हेंस दे कैन ऑपरेट effectively not only in addressing consumer needs but also dealing with several parties like government के साथ अच्छी dealing ये कर सकते हैं, दूसरा distributors, suppliers के साथ ये इनकी dealing as compared to multinational companies ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये local होती हैं, वहाँ का इन्हें knowledge होता है. Today आज बहुत सारे local competitors मल्टीनेशनल कंपनीज को बड़ा टफ कंपटीशन दे रहे हैं, बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं डेवलप्ड मार्केट्स पे, बिकॉज दे हैव सक्सेसफुली बिल्ड सम गुड ब्रांड्स जो के फॉरेनर कंपेटिटर्स के लिए बड़ी थ्रेट हैं. अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत सारे फॉरेन जो हैं आपके पास फॉरेन फास्ट फूड चेन्स हैं, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं. बट बहुत सारे ब्रांड्स जो कि लोकल हैं, जैसे कि तहजीब का पिज़्ज़ा, ये बहुत बड़ी थ्रेट है इनके लिए, और लोकल AFC, अल नजम फ्राइड चिकन, और बहुत सारे और मिस्टर कॉर्ड जैसे फास्ट फूड चेन्स, ये बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर रहे हैं इन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ. नो ग्लोबल फर्म्स वर्सेस ग्लोबल फर्म्स, हम देखते हैं कि ग्लोबल फर्म्स कैसे कंपीट करती हैं, क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं इनके पास जो कि ग्लोबल दूसरी फर्म्स के साथ ही कंपटीशन के लिए. सम इंडस्ट्रीज जो हैं ये इंक्रीजिंगली ग्लोबल बनती जा रही हैं, उसमें ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. इन इंडस्ट्रीज में सम ग्लोबल कंपेटिटर्स के पास बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट शेयर है, और ये ईच अदर को की मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं. दो के कुछ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं बट ईजीली जो है ना उनके साथ ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअर भी वहाँ पे मौजूद हैं जो क्लोजली उनको चेज कर रहे हैं और उनके लिए बड़े अच्छे कंपटीशन वो पोज कर रहे हैं उन मार्केट में. मेजर जो ग्लोबल कंपनीज हैं लाइक जैसे कि कोडेक है और फिजी है, ये जो इमेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही हैं. दो के बहुत सारे नए कंपेटिटर्स भी अब इस आ चुके हैं इस मार्केट में, लेकिन इनकी राइवलरी बहुत ज़्यादा है. ये जापान में हैं, US में हैं, यूरोप में हैं, एशिया में इनकी बहुत ज़्यादा राइवलरी है. ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंपनीज एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट बनी हुई हैं और बहुत अच्छी इनकी आपस में वॉर चल रही है. सिमिलरली अगर आप देखें यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. P&G और यूनिलीवर ये हर प्रोडक्ट कैटेगरी में एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं. सर्फ में, डिटर्जेंट में इनकी कंपटीशन, डिटर्जेंट पाउडर में इनकी कंपटीशन, सोप में इनकी कंपटीशन, टूथपेस्ट में इनका कंपटीशन, वर्चुअली एवरी मार्केट, एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट में इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. सम एनालिस्ट इसको सोप वॉर्स के नाम से भी जानते हैं, इन दो कंपनीज के दरमियान जो ये कंपटीशन की वॉर चल रही है.
और इस कंपटीशन का फायदा समटाइम्स कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंज्यूमर को जो मिलती हैं प्रोडक्ट वो हाई क्वालिटी होती हैं और समटाइम्स वेरी कंपेटिटिव प्राइस पे होती हैं. सो इट इज़ ऑलवेज सैड कि मोनोपली किसी भी कंपनी की हमेशा कंज्यूमर के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होती. कंपटीशन को इनक्रेज करना चाहिए और ये कंपटीशन एवेंचुअली कंज्यूमर को फ़ायदा देता है. हम अब वो देखते हैं कि वो कौन सी फोर स्ट्रेटजीज हैं जो कि ग्लोबल कंपेटिटर्स को दूसरे ग्लोबल कंपेटिटर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा एडवांटेज और एज देती हैं. उसमें स्ट्रेटजीज जो है क्रॉस कल्चरल सब्सिडाइजेशन एक स्ट्रेटजी है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. कंट्री पेरी या काउंटर अटैक एक काउंटर पेरी और काउंटर अटैक एक स्ट्रेटजी है. ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड मूव्स एंड टारगेटिंग ऑफ ग्लोबल कंपेटिटर्स, ये चार स्ट्रेटजी हैं जो कि ग्लोबल फर्म्स एक दूसरे के खिलाफ यूज कर सकती हैं. अब क्रॉस कंट्री सब्सिडाइजेशन क्या चीज़ है? इसमें यह होता है कि एक कंपनी अपना किसी और कंट्री में जो प्रॉफिट बना रही है वो प्रॉफिट किसी अनदर कंट्री में यूज कर सकती है टू सपोर्ट इट्स फर्म्स इट्स ब्रांड्स. सो यूजिंग प्रॉफिट फ्रॉम वन कंट्री इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स टू सब्सिडाइज कंपेटिटिव एक्शंस इन अदर कंट्री, उसको हम कहते हैं क्रॉस कंट्री सब्सिडाइजेशन. अब इसमें बहुत फेमस एक ब्रांड है बिक, इसने जो प्रॉफिट बनाया फ्रांस में उसने वो प्रॉफिट यूज किया इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट्स ब्रांड अगेंस्ट स्क्रिप्टोज पेन. बिक बनाता है, पेन बनाता है, ये रेजर शेव के लिए रेजर्स बनाता है बिक, इसके अलावा लाइटर्स वगैरह चीप प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाता है. सो इसका कंपेटिटर स्क्रिप्टो, उसने ब्रिटेन में स्क्रिप्टो के खिलाफ अपना प्रॉफिट वो वाला यूज किया जो उसने फ्रांस में बनाया. सिमिलरली इसने बिक ने जो प्रॉफिट इसने यूरोप ने बनाया उसने वो यूज किया अटैक करने के लिए स्क्रिप्टो को यूएस की जो कि होम मार्केट है स्क्रिप्टो की उसमें. अब बिकॉज स्क्रिप्टो की नेशनल जो सब्सिडरीज थी जो उसके बिजनेस थे यूरोप में इधर उधर वो सारे इंडिपेंडेंट थे, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं थे, तो स्क्रिप्टो को बहुत प्रॉब्लम हुई इसकी जो मूव्स थी बिक की. अब ये जो थी इसको कहते हैं क्रॉस कंट्री सब्सिडाइजेशन. आप एक कंट्री में जो प्रॉफिट बनाते हैं वो दूसरे कंट्री में अपनी ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए देते हैं. देन काउंटर पैरी या काउंटर अटैक एक अनदर स्ट्रेटजी है. काउंटर अटैक में यह होता है कि आप डिफेंड करते हैं अगेंस्ट कंपेटिटिव अटैक एक कंट्री में बाय काउंटर अटैकिंग एक अनदर कंट्री. फॉर एग्जांपल फ्यूजी को सक्सेसफुली उसने एंटर हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स में और 25% उसने मार्केट शेयर गेन कर लिया, तो कोडेक जो कि इसका मेजर कंपेटिटर था उसने ये स्ट्रेटजी यूज की, काउंटर पैरी उसने किया ये कि उसने फ्यूजी को उसके होम कंट्री में अटैक कर दिया. फ्यूजी ने अटैक किया यूनाइटेड स्टेट्स में, कोडेक ने अटैक कर दिया जापान में जो कि फ्यूजी का होम कंट्री था. सो इसको हम कहते हैं काउंटर पैरी या काउंटर अटैक. देन ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड मूव्स इज थर्ड स्ट्रेटजी. अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि आप कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट करते हैं, कोऑर्डिनेटेड आप अटैक कर देते हैं कि जिसमें कंपेटिटिव मूव्स जो हैं वो आर मेड इन डिफरेंट कंट्रीज. आप सिर्फ एक कंट्री में नहीं, आप कोऑर्डिनेटेड मूव्स डिफरेंट कंट्री में किसी एक ब्रांड के खिलाफ कर देते हैं. सब मल्टीनेशनल फर्म्स ऐसा करते हैं कि कोई कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो ग्लोबली तमाम कंट्रीज में एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम वो रोल आउट करते हैं. अब जब ये इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं न्यू प्रोडक्ट इन ऑल मेजर नेशनल मार्केट साइमल्टेनियसली एक साथ, तो फर्म जो इंश्योर करती है कि ग्लोबल कंपेटिटर्स हैव नो टाइम टू लर्न फ्रॉम वन मार्केट इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू अनदर. अब वो जो ग्लोबल उसके कंपेटिटर्स होते हैं वो हर कंट्री में इस चैलेंज को देख रहे होते हैं क्योंकि हर कंट्री में एक साथ ही वो प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है. सो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो काउंटर मूव कर सकें इस जो ये असॉल्ट करते हैं ये ग्लोबल ब्रांड्स जो अपनी थर्ड ये ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड मूव की स्ट्रेटजी के थ्रू. देन फोर्थ स्ट्रेटजी इज टारगेटिंग ऑफ ग्लोबल कंपेटिटर्स. इसमें यह होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल ग्लोबल कंपेटिटर एंड देन आप एक मूव सेलेक्ट करते हैं. वो मूव कौन सी हो सकती है, अटैक हो सकता है या आप अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को उससे दूर कर सकते हैं या फिर आप कोऑपरेशन उसके साथ कर सकते हैं मिल जाते हैं या एक्विजिशन आप कर लेते हैं या आप उसको परचेज कर लेते हैं. सो ये आपकी टारगेटिंग ग्लोबल कंपेटिटर्स की ये एक स्ट्रेटजी है जो कि चौथी है.
अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपेटिटर्स के दरमियान कुछ बैटल्स चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और काफ़ी ईयर से वो चल रही है। इसमें ग्लोबल कंपटीशन फाइट में सबसे मशहूर जो है, फेमस फाइट है, दैट इज़ बिटवीन कोको कोला एंड पेप्सी कंपनी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं ये दोनों, और ट्रेडिशनली ये एक दूसरे के क्लोज ही रही हैं। एक फॉलोअर है तो दूसरा थोड़ा सा आगे मार्केट शेयर के वाले से लीडर होता है। यूएस में दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट क्लोज ही होती हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वो डोमेस्टिकली मार्केट से ज़्यादा ग्रो कर जाती है। सो इसका एडवांटेज देखते हुए कोक ने अपने आप को लॉन्च किया, कोक ने अपने ब्रांड्स को लॉन्च किया डिफरेंट टारगेट मार्केट्स में। 9 जो बड़ी टारगेट मार्केट्स हैं दुनिया की आउट ऑफ 10, उसमें कोक ने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए। पेप्सी का होल्ड ज़्यादातर मिडल ईस्ट में रहा है अभी तक, और दूसरा थोड़ा सा करीब उसके है कोक के कनाडा में। इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर, कोक का शेयर 2-1 मार्जिन ज़्यादा है पेप्सी से। कोक लीड कर रहा है, कोक इस सॉफ्टवेयर बेवरेजेस की इंडस्ट्री में मार्केट शेयर लीडर है, सबसे बड़ा प्लेयर है। दिस बैटल जो ये चल रही है कोक और पेप्सी के दरमियान, ये बहुत साइमल्टेनियसली सेवरल फ्रंट पे चल रही है। सम ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एक्शंस हैज़ टेकन प्लेस इन लैटिन अमेरिका, जो कि लातिनी अमेरिका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चला, जहाँ पे कोक स्ट्रक एट पेप्सी इन वेनेजुएला में उसने अटैक किया, देन और पेप्सी लैटिन अमेरिका में कोक को लेड कर लिया, बाय सब्सटैंशियल मार्जिन से लेड कर रही थी। देन कोक ने क्या किया, जो उसने नेगोशिएट किया वेनेजुएला के बहुत सारे जो कि बॉटलर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट किया और उन्हें बहुत ज़्यादा मार्जिन दिए, और एक नाइट में बहुत सारे वेनेजुएला के डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर और बॉटलर्स ने अपना स्पोर्ट शिफ्ट कर दी कोक को, और पेप्सी को विद इन 1 वीक सिग्निफिकेंटली उसको लॉस हुआ, जो कि उसे हैंडल करने में 30 ऑलमोस्ट मंथ्स लग गए लैटिन अमेरिका में, और $500 मिलियन का उसने एक्सपेंस किया उसको अगेन रीस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन इसके काउंटर अटैक पेप्सी ने किया सून जब ये हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उसने अर्जेंटीना में कोक पे अटैक कर दिया, और जब डील हुई कोक की स्पॉन्सर के साथ, किसी अर्जेंटीना की नेशनल टीम को स्पॉन्सर जो कि फुटबॉल टीम है उसको करने के लिए, तो पेप्सी ने एग्रीमेंट साइन किया एनुअल सॉकर पेप्सी सीरीज को अरेंज करने के लिए, जिसको उसने टोरनियो डी पेप्सी का नाम दिया, एंड सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव प्रमोशनल राइट्स फॉर दिस इवेंट। और इस तरह कोक से थोड़ा सा पेप्सी को भी एडवांटेज हासिल हुआ। अनदर एरिना जहाँ पे दोनों कंपनीज फाइट कर रही हैं, ये एशिया में बहुत ज़्यादा फाइट कर रही हैं दोनों कंपनीज, चाइना में, इंडिया में, इंडोनेशिया में इनकी फाइट बहुत ज़्यादा है, और चाइना में, इंडोनेशिया, इंडिया में यू नो दैट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो एक बहुत बड़ी मार्केट दोनों के लिए थी। इंडिया में पेप्सी ने अटेम्प्ट किया कि वो कोक को अच्छा खासा टफ टाइम दे, और कोक को वहाँ पे टफ टाइम मिला भी, जब इंडिया की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च की, उसने लॉ लॉन्च किया कि आपको अपने सीक्रेट फार्मूला है जो कंपनीज का इंग्रेडिएंट्स का वो शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो कोक अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर नहीं करना चाहती थी और ना ही कर सकती थी, क्योंकि मोस्टली ये मोस्ट जो प्रिजर्व्ड सीक्रेट है, मोस्ट डिफेंडेड सीक्रेट है कोक का फार्मूला। उसने, कोक ने ये सोचा कि हमारे लिए एग्जिट फ्रॉम इंडिया इज़ वायबल थिंग, और उसका फ़ायदा ये उठाया कि पेप्सी ने पार्टनरशिप की लोकल कंपनीज के साथ, और वहाँ पे फर्स्ट जब एंट्री हुई, लॉ थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो उसने एंट्री की, और उसने कोशिश की कि वो लेड करे वहाँ पे इंडिया में, और अभी तक कोक को टफ टाइम दे रहा है वहाँ पे इंडिया में। ये जैसे कि हमने ये एग्जांपल दी कि कंपनीज बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हैं कंपटीशन को, उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से अपने कंपेटिटर्स को थ्रू एथिकल और अनएथिकल वे से उस कंपेटिटर्स को लिए थ्रेट बने और उनको, उस कंपेटिटर से मार्केट शेयर ये ग्रैब करें। नाउ लेट्स सी ग्लोबल फर्म्स कैसे लोकल फर्म्स के साथ कंपीट करती हैं।
Local firms can compete effectively with global firms, जो कि larger हो सकती हैं, international companies हो सकती हैं, अगर वो बहुत wisely act करें, अगर थोड़ा सा उनमें strategic moves बहुत अच्छी हों, अगर वो preemptive हों, वो defensible अच्छा defense कर सकें, तो global firms जो कि multinational हैं, बड़ी firms हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वो बन सकती हैं, threat बन सकती हैं और contender बन सकती हैं. Like यहाँ पे हम example दो companies की देखते हैं, जो कि Ramlösa है और दूसरी Perrier है. Ramlösa ये leading Swedish bottler थे mineral water के. ये इन्होंने Perrier जो ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड फ्रांस का है मिनरल वाटर का, उसके साथ बड़ा इफेक्टिवली इन्होंने कम्पीट किया और बड़ा सक्सेसफुली कम्पीट किया. Ramlösa ने सोल्ड इस मिनरल वाटर प्राइमली इन स्वीडन, ये स्वीडन में ही सेल करते थे, इसका ग्लोबल ऑपरेशन कोई नहीं था. और बहुत सारे कुछ लोकल जो कि इसके नेबरहुड में कंट्रीज थे, उनको ये नॉर्वे फिनलैंड को ये एक्सपोर्ट भी करते थे, लेकिन इनका ग्लोबल ऑपरेशन वाज नियर टू ज़ीरो, कोई इतना ज़्यादा नहीं था. Ramlösa के एग्जेक्टिव Perrier की जो मूवमेंट थी उसको ऑब्जर्व करते रहते थे, उसको देखते रहते थे, वॉच करते थे कि Perrier क्या कर रहा है. Ramlösa के एग्जेक्टिव ने फाइंड किया कि Perrier के एग्जेक्टिव प्लान कर रहे हैं कि मूव करें, वो यूरोप में डोमिनेट करें सेगमेंट मिनरल वाटर का वर्ल्ड वाइड. तो Ramlösa को थ्रेट था फ्रॉम Perrier. जब Perrier ने डेनमार्क में अटैक किया, उसकी मार्केट को अटैक किया कैप्चर करने के लिए, तो Ramlösa एग्जेक्टिव ने रियलाइज किया कि नाउ Perrier की नेक्स्ट मूव वो इनके स्वीडन में होगी, इस मार्केट में होगी. सो अब उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किसी तरीके से डिफेंस करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम दिस ब्रांड Perrier. तो स्वीडन में Ramlösa जो कि 100% ऑफ मार्केट शेयर इंजॉय कर रहा था, उसे थ्रेट हो गया कि एग्रेसिव एंट्रीएंट अगर Perrier आ गया तो उसका शेयर कंसिडरेबली डैमेज हो सकता है. Perrier की स्ट्रेटजी को इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और यूरोपियन मार्केट्स में क्या Perrier करता रहा, इन्होंने वो उसको स्टडी किया और देन इन्होंने सॉल्यूशन को सर्च किया. बिकॉज Perrier जो था वो इंटर होता था मार्केट में बाय क्रिएटिंग प्रीमियम पोजीशनिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड हाई प्राइस के साथ वो एंटर होता था. और Ramlösa ने फिर डिसाइड किया कि अगर Perrier एंटर होगा हमारी मार्केट में स्वीडन में, तो ये इसी तरह एंटर होगा कि ये अपने ब्रांड को प्रीमियम ब्रांड की पोजीशनिंग देगा और टारगेट करेगा इस सेगमेंट को. इन्होंने Ramlösa ने अपना प्रीमियम ब्रांड लॉन्च कर दिया मिनरल वाटर का, जिसकी प्राइस काफ़ी हाई इन्होंने रखी, लेकिन वाटर पैकेजिंग थोड़ी सी अच्छी कर दी. वाटर तो ऑलमोस्ट वही था, सेम था, उसमें कोई क्वालिटी इतनी चेंज नहीं लेकर आए. इन्होंने एक्सपेंसिव एक्सटेंसिवली इन्वेस्ट किया पैकेजिंग के और बॉटलिंग पे और अपने ब्रांड को एडवर्टाइज किया एक्सटेंसिवली एज प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर, और ऑलमोस्ट 50% इसकी प्राइस नॉर्मल वाटर से ज़्यादा थी, लेकिन पानी सेम था जो कि रेगुलर यूज सेल कर रहे थे. अब जब फाइनली एंटर हुआ Perrier स्वीडिश मार्केट में, तो उसने देखा कि ऑलरेडी प्रीमियम मार्केट जो कैप्चर हो चुकी है, प्रीमियम वाटर मार्केट सेगमेंट कैप्चर हो चुका है. Ramlösa वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो Perrier वाज फोर्स्ड टू एंटर विद अनदर अल्ट्रा प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ एंटर हुआ कि उससे भी एक्सपेंसिव वाटर ड्रिंकिंग वाटर सेल करे, लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन पेइंग टू मच मनी फॉर ड्रिंकिंग वाटर. सो इसका रिजल्ट क्या निकला, हाई प्राइस जो Perrier चार्ज कर रहा था उसका लिटिल मार्केट शेयर उसे मिला, उसे हाई मार्केट शेयर नहीं मिला और Perrier को इतना फ़ायदा नहीं हुआ स्वीडन में एंट्री का. और Ramlösa को सक्सेसफुल रहा Ramlösa इन प्रिवेंटिंग Perrier फ्रॉम कैशिंग इन और बीइंग सक्सेसफुल इन दैट मार्केट. सो अगर लोकल फर्म्स ग्लोबल फर्म्स की स्ट्रेटजीज को स्टडी करें, अगर वो अपनी स्ट्रेटजिक मूव्स बहुत काउंटेड और बेस्ड ऑन रिसर्च करें, तो जैसे कि Ramlösa ने एक बड़े कंपेटिटर को, एक बड़ी फर्म जो कि Perrier थी, उसको टारगेट की, उसको डिफेंड किया, वैसे ही लोकल फर्म्स
डिफेंड कर सकती हैं. सो यहाँ पे सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे. लोकल फर्म बेशक उनके पास सोर्सेज कम है, लेकिन अगर वाइजली टेक्टिक्स यूज़ करें, वाइज स्ट्रेटजीज यूज़ करें, तो वो जो के बड़ी कंपेटिटर्स हैं, जो कि ग्लोबली काम कर रहे हैं, ग्लोबली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुली टैकल कर सकती हैं. नो, वी विल सी सम स्ट्रेटजीज फॉर लोकल फर्म्स, के लोकल फर्म्स कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर सकती हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कम्पीट विद फॉरन मल्टीनेशनल कंपनीज. हम जाते हैं कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके पास सुपीरियर रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, उनके पास लेबर फोर्स भी हाई क्वालिटी है, उनके पास R&D है, उनके पास बाकी रिसोर्सेज भी, एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ब्रांड्स, एवरीथिंग उनके पास ज़्यादा होती है. बट इनकी ये सारी थिंग्स इन्हें इनफ्लेक्सिबल बनाती हैं, इनका बड़ा साइज़ इन्हें इनफ्लेक्सिबल बनाता है, इनके लिए चेंजिंग लाना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है. बट जो स्मॉल ग्लोबल जो लोकल फर्म्स होती हैं उनके लिए इजी होता है टू मॉडिफाई देमसेल्फ, टू चेंज देमसेल्फ, बट ग्लोबल फर्म्स के लिए इतना ईजी नहीं होता. इन जनरल जो जो ग्लोबल फर्म्स हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट लोकल कंपेटिटर्स को वॉच करती हैं. इन जनरल जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल फर्म्स हैं इनको लोकल कंपेटिटर्स वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनकी सारी मूव्स देखते रहते हैं कि कौन सी मार्केट्स में एंटर हो रहे हैं, कैसे एंटर हो रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज हैं और ये कैसे हमारे लिए थ्रेट्स बन सकते हैं. इसमें रिकॉल कीजिएगा एग्जाम्पल रेमलोसा और पेरियर की जो हमने देखी. अच्छा, विद सम ग्लोबल फर्म्स इट इज़ सेवरल ईयर्स before a product is introduced in all markets, and local competitors in some markets can take advantage of such advances noticed by building defensive and launching preemptive attack on same segment. ye defend kar sakti hain apne aap ko, koshish kar sakti hain kisi tarike se hum उल्टा उन पे अटैक करें इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम अटैक अस. कुछ स्ट्रेटजिस्ट ने सजेस्ट किए हैं कि फोर स्ट्रेटजीज हैं फॉर स्मॉलर लोकल फर्म्स जो कि उन्हें हेल्प कर सकती हैं इन कम्पीटिंग विद दोज बिग फॉरेन मार्केट्स. इनमें डिफेंडर स्ट्रेटजी है, एक्सटेंडर स्ट्रेटजी है, कंटेंडर स्ट्रेटजी है एंड डॉजर स्ट्रेटजीज है. ये चार स्ट्रेटजीज स्मॉल कंपनीज यूज कर सकती हैं इन कम्पीटिंग विद बिग मल्टीनेशनल कंपनीज. डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंडस्ट्री कि किस टाइप की इंडस्ट्री में लोकल फर्म्स कम्पीट कर रही हैं, जे फर्म्स चूज कर सकती हैं डिफेंडर, एक्सटेंडर, कंटेंडर एंड डॉजर स्ट्रेटजी. इन इंडस्ट्रीज जहाँ पे कस्टमाइजेशन टू लोकल मार्केट्स मैन कंपेटिव एडवांटेज या कंपेटिव एसेट्स, डिफेंडर एंड एक्सटेंडर स्ट्रेटजीज कैन बी सक्सेसफुल. क्योंकि अगर लोकल मार्केट का नॉलेज इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो के लोकल फर्म्स को हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पे डिफेंडर और एक्सटेंडर स्ट्रेटजीज ये यूज कर सकती हैं जो लोकल फर्म्स है. अदर इंडस्ट्रीज जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल का, जहाँ पे मोर ग्लोबल कंपेटिटर्स को स्ट्रेंथ हासिल होती हैं, ये बायर्स वेरी रिलेटिवली लिटल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, और वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो फेवर कर रही होती है ग्लोबल कंपेटिटर्स को, उनकी वास्ट रीच को. वहाँ पे जो आपका लोकल फर्म है वो कंटेंडर और डॉजर स्ट्रेटजी को फॉलो करे तो उसको सक्सेस हासिल हो सकती है. हम इन चारों स्ट्रेटजीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन स्ट्रेटजीज में होता क्या है, कंपनीज, लोकल कंपनीज करती क्या है, कैसे वो अपने आप को सेव करती हैं या कैसे अटैक करती हैं बड़ी फॉरेन फर्म्स पे. डिफेंडर स्ट्रेटजी में ग्लोबल फर्म को थ्रेट होती है फ्रॉम लोकल फर्म. ये क्या होता है, वहाँ पे लोकल फर्म लीवरेज करती है, यूज़ करती है अपने एसेट्स को, लोकल एसेट्स को इन मार्केट सेगमेंट जिसमें वो प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, जहाँ पे मल्टीनेशनल वीक होती है. लोकल एसेट्स ऑफन क्या उसमें इंक्लूड होता है, नॉलेज ऑफ द मार्केट इंक्लूड होता है, नॉलेज ऑफ द टेस्ट ऑफ द पीपल, नॉलेज ऑफ कस्टम्स ऑफ दैट
country, as well as good relationship with local distributors and suppliers include hote hain, jahan pe local countries, local companies apne these knowledge aur apne good relationship use kar sakti hai, jo ke foreign multinational companies ke paas nahi hai. Hum usko defender strategies kehte hain. Ye apne aap ko defend kar rahi hain, apne strong businesses ko defend kar rahi hain. Iski bahut achhi example jo hai Turkey mein hai. Turkey ke bahut sare जो लोकल रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया फ्रॉम फॉरेन रेस्टोरेंट्स जो मल्टीनेशनल लाइक मैकडोनल्ड्स और मैकडोनल्ड और केएफसी और बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट से, क्योंकि ये जो टर्किश रेस्टोरेंट थे इन्हें नॉलेज था लोकल टेस्ट का, इन्हें नॉलेज था लोकल कस्टमर का, किस तरह की चीज़ टर्किश कस्टमर बाय करता है ये जानते थे इसके हेल्प से, नॉलेज के हेल्प से, और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर से अच्छे रिलेशनशिप की वजह से उन्होंने डिफेंडर स्ट्रेटजी यूज़ की और अपने आप को सेव किया. देन सेकेंड स्ट्रेटजी जो कि लोकल फर्म्स यूज़ कर सकती हैं ग्लोबल फर्म्स के अटैक को अवॉइड करने के लिए, उसको हम एक्सटेंडर स्ट्रेटजी कहते हैं. इसमें होता ही है कि कभी कभार समटाइम्स लोकल जो फर्म्स होती हैं वो अपने इन एसेट्स को यूटिलाइज करती हैं टू फॉर डिफेंडर स्ट्रेटजी, जो कि ये एसेट्स नॉलेज और रिलेशनशिप विद सप्लायर और रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर इनको यूज़ करती हैं इन सर्टन अदर फॉरेन मार्केट्स जहाँ पे उनके ग्लोबल कंपेटिटर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये अटैक कर देते हैं ये किसी और कंपनी के ऊपर, ऐसा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपनी इन एडवांटेजेस को किसी और मार्केट में. एक्सटेंडेड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इनटू फॉरेन मार्केट इज सिमिलर टू देयर ओन, जैसे कि जिस मार्केट में ये एग्जिस्ट करते हैं उस तरह की मार्केट में ये अपने आप को एक्सटेंड करते हैं. अगर पाकिस्तान में है कोई कंपनी तो इससे सिमिलर मार्केट में अपने आप को एक्सटेंड करेंगी, जैसे कि इंडिया है, अफगानिस्तान, ईरान, जो कंट्रीज पाकिस्तान से सिमिलर होते हैं वहाँ पे लोकल फर्म्स अपने आप को एक्सटेंड कर सकती हैं यूजिंग सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड कॉम्पिटेंसीज दैट दे ऑलरेडी हैव डेवलप्ड इन देयर होम मार्केट. वो उसमें नई मार्केट्स में कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर लेती हैं उन्हें कोर कॉम्पिटेंसीज अपनी यूज़ करते हुए उन नई मार्केट्स में मार्केट शेयर को ग्रैब करती हैं. इसकी एग्जांपल मेक्सिको का एक टेलीविजन चैनल जो था टेलीविज़ा, जो कि सिटकॉम्स स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री स्पेनिश लैंग्वेज में सिटकॉम्स ये प्ले करता था और मेक्सिको की मार्केट इसने कैप्चर की हुई थी और देन इसने एक्सटेंड किया अपने आप को टू अदर कंट्रीज जहाँ पे स्पेनिश बोली और समझी जाती है और ड्रामास देखे जाते हैं लाइक लैटिन अमेरिकन बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना वगैरह है और बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे स्पेनिश स्पीकिंग लोगों की तादाद ज़्यादा है और स्पेन और कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे उसने अपने आप को एक्सटेंड किया और सम प्लेसेस लाइक ह्यूस्टन और लॉस एंजलस में बहुत सारे कंपेटिटर्स को उसने बहुत टफ टाइम दिया. देन थर्ड स्ट्रेटजीज कंटेंडर स्ट्रेटजीज. अब यहाँ पर यह होता है कि स्मॉलर फर्म्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कम्पीट करें ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ में फेस टू फेस विद ग्लोबल कंपेटिटर्स, लेकिन समटाइम्स कुछ सक्सीड कर जाते हैं बाय अपग्रेडिंग देयर कैपेबिलिटीज़ टू टेक ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज, अपने आप को डेवलप करते हुए ये फेस टू फेस अटैक कर देते हैं ग्लोबल कंपेटिटर्स पे. यहाँ पे कुछ कंपनीज अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करती है नेसेसरी R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है और जहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती है वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ इंक्रीज कर देती है. मैनी जो प्राइवेटली हेल्ड लोकल कंपनीज होती हैं उन्हें पता होता है कि वी हैव टू गो पब्लिक, अपने स्टॉक्स पब्लिक में ऑफर करने पड़ते हैं, उन्हें स्टॉक ऑफरिंग की बेस पे वो मनी और फंड्स गैदर करते हैं जो कि अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए वो यूटिलाइज करते हैं. बिकॉज देयर रिसोर्सेज मे स्टिल बी लिमिटेड कंपेयर टू दोज जो कि ग्लोबल फर्म्स हैं, ये जो कंटेंडर्स ये नीश मार्केट्स को टारगेट करते हैं. नीश मार्केट क्या होता है? वो मार्केट्स जो कि
underserved ہیں ابھی, جو کہ neglected ہیں اور جن کا pattern of consumption is very different from the big segments, ان کو یہ target کر دیتی ہیں. اس میں بہت ساری companies ہیں جیسے کہ Arcelik top competitor Turkish market میں appliances کا ہے, جو refrigerators, washing machine, dishwashers بناتا ہے. اس company نے ٹیبل کے لیے ریفریجریٹر انٹروڈیوس کیا, جیسے کہ یہ ٹیبل ہے اس پہ ٹیبل کے لیے چھوٹا سا ریفریجریٹر اور بریٹن میں لانچ کیا اور سکسیسفلی اس سیگمنٹ میں اس نے مارکیٹ لیڈر کی پوزیشن اچیو کر لی. اور بہت سارے گلوبل کمپنیز جو کہ بڑے لیول کی کمپنیز ہیں لائک فلپس ہے, میٹسوبیشی ہے, توشیبا ہے, ان کے لیے ایک تھریٹ اس نے امپوز کی. دین اندر اسٹریٹجی از ڈوجر اسٹریٹجیز. اگر لوکل فرم گلوبل انڈسٹری کے مقابلہ نہیں کر سکتی, اس کے پاس ریسورسز کم ہیں, مینیجریل ویژن کنٹینڈر بننے کا نہیں ہے, دے کین فائنڈ دیم سیلف ویری بیڈ پوزیشن ایز کمپیئر ٹو ملٹی نیشنل فرمس. اور یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ ادھر تو کر سکتے ہیں, یا ہم بیٹر پروڈکٹس آفر کریں یا چیپر پرائسز پہ آفر کریں, لیکن ان آرڈر ٹو سروائیو لوکل فرمز کیا کر سکتی ہیں, یہ اوائڈ کر سکتی ہیں, ڈاج کر سکتی ہیں کمپٹیشن کو بائی فائنڈنگ اے وے ٹو کوآپریٹ ود مور پاورفل کمپیٹیٹرز, ان کے ساتھ مل کر یہ کسی طریقے سے کمپٹیشن کو اوائڈ کر سکتی ہیں. اٹ کین فوکس آن بینگ لوکلی اورینٹیڈ لنک ان دا ویلیو چین, یہ کسی طریقے سے انہیں ہیلپ کر سکتی ہے ان بیٹر ٹارگیٹنگ دیئر کسٹمر. فار ایگزامپل کنٹریکٹ مینوفیکچرر اور لوکل ڈسٹریبیوٹر فار ملٹی نیشنل فرم کے طور پہ یہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. اس طرح یہ ہے کہ یہ کمپٹیشن کو اوائڈ کر رہے ہیں. مینی ڈاجرز جو ہیں وہ ملٹی نیشنل فرمز کو کی وشز پہ سیل کرتے ہیں یا ملٹی نیشنل فرمز انہیں ایکوائر کر لیتی ہیں. مینی سچ ایکوزیشن جو ابھی تک ہو چکی ہیں یورپ میں, یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بھی ہو چکی ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ایکوزیشنز ہوتی رہتی ہیں, ہو رہی ہیں. بہت ساری کنٹریز جو کمپنیز جو فیس ٹو فیس گلوبل مارکیٹر سے مقابلہ کرنے جا رہی تھیں ایئر 2000, خاص طور پر ای ریٹیلنگ کی, انہیں یورپ میں بہت ساری تھریٹس ملی فرام یو ایس اے ای ریٹیلرز. انہوں نے کوشش کی کہ ہم کمپیٹ کر لیں, لیکن جب امیزون اور ای بے جیسی کمپنیز یورپ میں انٹر ہوئیں تو بہت سارے ای ریٹیلر بزنس سے آؤٹ ہو گئے, انہیں تھریٹ ہوگی. سم آف دیم جوائن ٹوگیدر ٹو فارم بگ وینچرز, بڑی کمپنیز بنانے کی کوشش کی. سم آف دیم نے اپنے آپ کو سیل کر دیا کہ بفور ہم بینکرپٹ ہو جائیں اٹ از بیٹر ٹو سیل اوور سیلف ٹو بگیسٹ کمپیٹیٹرز جو کہ ای بے اور امیزون ہے. اسی طرح جو ڈیوو کورین کمپنی ہے اس نے بہت ایکسپینشن کرنے کی کوشش کی, اس نے ڈیوو کو کوریا کو کیپچر کیا, اس نے کوشش کی کہ ایشیا کے باقی کنٹریز میں بھی اپنی مارکیٹ کو سٹیبلائز کرے, اس کے کسٹمر کو باقی کنٹریز میں کیپچر کرے, لیکن ان ڈوئنگ سو وہ مور دین 40 بلین ڈالر کے ڈیفیسٹ میں چلے گئے. وہ بینکرپسی کے قریب ہی تھے کہ جنرل موٹرز جو کہ امریکہ کی ایک بڑی کمپنی ہے اس نے ایکوائر کر لیا ڈیوو کو. اب اس نے کیوں ایکوائر کیا, کیونکہ دیٹ ڈیوو وڈ بی وے ٹو انٹر ایشین مارکیٹس. اس نے اس طرح کوریا میں اپنی سیگمنٹ کو کیپچر کیا ڈیوو کے ہیلپ سے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور ہو جائے کمپنی, جب اس میں کمپٹیشن کی طاقت نہ رہے, کمپیٹ نہ کر سکے, تو وہ اپنے آپ کو سیل کر دیتی ہے ٹو دا بگیسٹ کمپیٹرز. پاکستان میں جب والز انٹر ہوا تو یمی اور پولکا جیسی کمپنیز تھی, پولکا کو والز نے آفر کی کہ آپ ہمیں سیل کر دیں اپنا بزنس, لیکن پولکا نے ریفیوز کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والز نے بہت ہیوی ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو اور اچھی پروڈکٹس کے تھرو اور بڑے برانڈ کے تھرو اپنے پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کیا اور پولکا کی ساری مارکیٹ کو کیپچر کر لیا. ایونچولی کیا ہوا, پولکا نے اپنے بزنس کو سیل کر دیا ٹو والز. سو اس میں سم ٹائمز کمپنیز ڈاج کرتی ہیں کمپٹیشن کو تھرو ویریس ویز. اب گلوبل فرمز بائی کر لیتی ہیں لوکل فرمز, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ لوکل کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کو ڈسرپٹ کرتی ہے, یہ ایک اپریشیٹڈ موو نہیں ہے. لوکلی جو گورنمنٹس ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کی لوکل فرمز کو گلوبل فرمز بائی کر لیں آ کے اور کمپٹیشن کم ہو جائے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ سفر کرے گا کسٹمر اگر کمپٹیشن نہیں ہوگا. ایگزامپلز ہینز کی
सोया सॉस की मार्केट में डोमिनेट करता रहा इन एशिया विद इट्स एबीसी ब्रांड. देन यूनिलीवर बॉट राइवल बैंगो ब्रांड इन इंडोनेशिया. बैंगो सेल्स सर्ज ड्यू टू यूनिलीवर्स वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडोनेशिया. अब बड़ी कंपनीज बाय करती हैं तो उसकी ऊपर फिर इन्वेस्ट करती हैं, अब जो ब्रांड्स बाय करती हैं तो उसका फिर सेल्स को किसी तरीके से स्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं. लेट्स सी के कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपटीशन कंट्री टू कंट्री कैसे वेरी करता है. नॉट सरप्राइजिंगली कंपेटिटर्स के लिए कंपीट करना किसी भी कंट्री में डिफिकल्ट होता है अगर वो किसी और कल्चर से उस कंट्री में आए, बिकॉज कल्चर्स वेरी इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपटीशन. एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इसका इफेक्ट भी होता है. एंड इसकी हिस्ट्री में देखना चाहिए कि क्या हिस्ट्री रही है उस कल्चर में कंपटीशन की. ये एटीट्यूड इफेक्ट करते हैं रूल्स ऑफ कंपटीशन को, रूल ऑफ गेम को, बोथ रिटन एंड अनरिटन. ये सोसाइटीज में रूल ऑफ कंपटीशन वेरी करते रहते हैं और कंपेटिटिव गेम के रूल्स क्रॉस द कंट्री वेरी करते रहते हैं. नो द क्वेश्चन इज कंपटीशन गुड और बैड. ऑफ कोर्स द आंसर इज कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, बिकॉज इसका फ़ायदा इवेंचुअली कस्टमर को जाता है. मोनोपलीज को डिस्करेज करते हैं बहुत सारे कंट्रीज. अमेरिका डिस्करेज करता है मोनोपलीज को. इट इनकरेजेज न्यू आइडियाज़ एंड कीप प्राइसेज डाउन. ये कोशिश करता है कि नए आइडियाज़ आए और प्राइसेज हमेशा डाउन रहे कस्टमर के लिए. हाउएवर ये पूरी दुनिया में ये एटीट्यूड नहीं है. इन 20th century के अर्ली टाइम पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया एंटी ट्रस्ट लॉ जो कि ट्रेडिशनली इनकरेज करेगा कंपटीशन को, बट आर फोकस्ड ऑन गुड फॉर द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को बेनिफिट देना चाहते थे. जैसे ये लॉ पास हुआ शॉर्टली आफ्टर दैट अमेरिकन वॉच्ड पावरफुल फर्म्स कट प्राइसेस टू ड्राइव कंपटीशन आउट. बड़ी जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी प्राइसेस रिड्यूस की और कंपटीटर्स को मार्केट से आउट कर दिया, बल्कि उन्होंने बहुत सारे कंपेटिटर्स को बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया. और अगेन मोनोपोलिस्टिक वो जो पोजीशन थी उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया. इवन ईयर्स लेटर काफ़ी अरसा बाद भी जनरल मोटर्स जो कि वाज फोर्स टू ऑपरेट इट्स डिवीजन एज सेपरेट फर्म्स टू हेल्प डिसिपेट इट्स स्ट्रॉन्ग मार्केट पावर इन यूनाइटेड स्टेट्स. ये उसने किया. बहुत सारे और कंट्रीज डिफिकल्ट हिस्ट्री उन्होंने फेस की रिलेटेड टू कंपटीशन. हम एग्जांपल देखते हैं इसकी कंपटीशन की. लेट्स स्टार्ट विद कंपटीशन इन यूरोप. बहुत सारे सालों तक यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अलाउ किया फर्म्स को कि वो कार्टल बिहेवियर, बड़े बड़े कार्टल्स बना के, बड़े बड़े ग्रुप्स बना के वो कंपीट करें, वो उस तरह बिजनेस करें. बट ये चीज़ अलाउड नहीं थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. इवन के लेट 1970s तक भी यूरोपियन एयरलाइंस ओपनली वो डिस्कस करती थी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, और लेटर इस्टेब्लिश करती थी म्यूचुअल ड्रॉपिंग ऑफ फर्स्ट क्लास सर्विसेज ऑन ट्रांस यूरोपियन फ्लाइट्स. कार्टल थे, मिलकर काम करते थे, मिलकर डिसाइड करते थे थिंग्स. न्यू कमर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि वो इन हो सकें. इनफैक्ट हकीकत में यूरोप रेयरली इन्फोर्स्ड एंटी ट्रस्ट लॉज अंटिल 1980s. उसने कंपटीशन को इतना इनकरेज नहीं किया, न्यू कमर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन आप रिसेंटली ये हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन हैज सरप्राइज्ड मैनी विद न्यू विजिलेंस एंड इन्फोर्सिंग एंटी ट्रस्ट लॉ. उन्होंने कोशिश किया कि कंपटीशन की फिजा को थोड़ा सा इनकरेज किया जाए, कंपेटिटर्स आपस में कंपीट करें और इस तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो और प्राइसेस डिक्रीज हो. अगरचे कि यूरोप इंपोर्टेड बहुत सारे ये लॉज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, हाउएवर इन लॉज में बहुत सारी एवोल्यूशन आई है. यूनाइटेड स्टेट्स में ये लॉ, इन लॉ का जो मकसद है वो प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को फ्रॉम मोनोपोलिस्ट्स. बट इन यूरोपियन यूनियन इन ये गारंटी करते हैं फेयरनेस अमंग कंपटीशन, के फेयर कंपटीशन होगा एक इन यूनिफाइड मार्केट के अंदर. मिसाल के तौर पे यूएस के लॉ में अगर एक मर्जर हेल्प करता है टू कंपनीज को कि वो बहुत सारा ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करें कस्टमर्स को,
जिससे कस्टमर को फायदा होगा तो इस पे वो इसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन इन यूरोपियन यूनियन ये इसका पोटेंशियल ब्लॉकिंग होगी, कंपेटिटर्स को बहुत सारे कंपटीशन को आउट ऑफ मार्केट कर देंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होगी कंपेटिटर्स को। कॉन्सिक्वेंटली यूरोपियन यूनियन ये जो है वो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट करेंगे कि मर्जर बिटवीन यूरोपियन टू यूरोपियन फर्म्स ना हो। इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन और गिनीज आपस में कोशिश की किसी तरीके से मिलकर वर्ल्ड लार्जेस्ट लिकर कंपनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रिंक कंपनी, अल्कोहल की कंपनी बनाए, जबकि यूरोपियन यूनियन को इससे फियर हुआ कि न्यू फर्म जो बनेगी कंपाइनिंग पोर्टफोलियो ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस शैम्पेन और विस्की के प्रोडक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत सारी और कंपनीज को शट डाउन कर देगी, कंपेटिटर्स को आउट कर देगी। सो यूरोपियन यूनियन ने ब्लॉक किया इस मर्जर को और कोशिश की कि ये मर्जर ना हो। सिमिलरली जनरल इलेक्ट्रिक और हनीवेल का इंटरनेशनली टू यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, इनका मर्जर को भी यूरोपियन यूनियन ने ब्लॉक किया और उस मर्जर को होने नहीं दिया। हम देखते हैं कंपटीशन जापान में क्या सूरत हाल है, वहाँ पे कंपटीशन का कैसे इन्फ्लुएंस करती है जापानीज गवर्नमेंट। पिछले तकरीबन 30 साल से, लास्ट 30 डेकेड से या 40 डेकेड से बहुत इंटेंस कंपटीशन जापान में फेस करना पड़ा है जापानीज कंपनी को, स्पेशली फ्रॉम द कंपनीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से थी या यूरोप से थी। वाइल आईबीएम एंजॉयड डोमिनेंस इन ऑल ओवर द कंट्री, यूनाइटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन में आईबीएम को कंप्यूटर की मेन फ्रेम की मार्केट में डोमिनेंस थी। बहुत सारी कंपनीज मेजर कंपेटिटर्स जो कि जापानीज थे वो उनमें फिजित्सो, हिताची, एनईसी और आईबीएम जापान शामिल थे, वो मार्केट शेयर के लिए जापान में फाइट कर रहे थे आपस में। और दर हकीकत जो चार हैं जो बड़े आठ कंपेटिटर्स में थे वो वर्चुअली हर इंडस्ट्री में वो आपको मिल सकते हैं जापान में। जापानीज फर्म्स आर रेयरली सीन टू लीव मैच्योर इंडस्ट्रीज थ्रू एक्विजिशन बैंकरप्सी और वॉलंटरी एग्जिस्ट, वो नहीं जाते वहां से, वो कोशिश होती है उनकी कंपीट करें। समटाइम्स जापानीज बहुत सारी कंपनीज ग्रुप्स बना लेती हैं, कार्टल्स बना लेती हैं और ये ग्रुप्स इवेंचुअली बड़ी कंपनीज के साथ सक्सेसफुली कंपीट कर सकते हैं। जब मज़दा को बैंकरप्सी हुई तो इसी तरह के ग्रुप ने सुमितोमो बैंक ने उसको कंपनी को जनरस फंडिंग प्रोवाइड की ताकि वो कंपनी बैंकक्रप्ट ना हो, मज़दा बैंकक्रप्ट ना हो। उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ और उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज किया कि वो मज़दा की गाड़ियाँ बाय करें। फॉर डेकेड्स, बहुत सारे दहाइयों तक जापानीज जो मैनेजर्स थे उनको कभी भी स्टॉक प्राइसेस की परेशानी नहीं हुई, एंड पोस्ट वार जापान को कभी भी होस्टाइल टेकओवर या मेजर बिजनेसेस के एक्विजिशन का खतरा नहीं हुआ। डिस्पाइट इंक्रीज्ड कंपटीशन जो के जापान को फेस करना पड़ा, वी कंपनीज वर नॉट फोर्स्ड आउट ऑफ द जापानीज मार्केट, कमजोर कंपनियां भी जापानीज मार्केट में कंपीट करती रहती थी। हाउएवर जो कि पुअर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो जापान का हुआ, थोड़ी सी 1990s में उसकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुई, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, उसके जापानीज सिस्टम में कुछ क्रैक्स नज़र आना शुरू हो गए। जापानीज गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर बैंक्स फेल होते हैं तो वो बैंक्स को फेल होने देगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगी। इससे जापानीज बैंक्स बहुत परेशान हुए, उन्होंने प्रॉपिंग अप स्टार्ट कर दिया ग्रुप कंपनीज को। जो सोनी, वन ऑफ द जापानीज मोस्ट एफिशिएंट कंपनी है, उसने 5% रिटर्न ऑन इक्विटी रिपोर्ट किया 2001 में, क्योंकि उसको प्रॉपर बैक हुई बैंक से, एज कंपेयर टू 15% फॉर मोस्ट यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज। सो जो जापानीज फर्म्स हैं वो बैक समटाइम्स उनको होती रही है फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, और जो कि यूएस के थोड़ा सा काउंटर है, यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन इमर्जिंग मार्केट्स में क्या सूरत हाल रही है, इमर्जिंग मार्केट्स में कंपटीशन कैसा होता रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो ट्रेडिशनली
कंपटीशन इतना वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं रहा जैसा कि यूएस, जापान, यूरोप में रहा है, जितनी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है. मिड 20th सेंचुरीज में बहुत सारी कमोडिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो है लिबरल थी, उसमें कोई सुपरविजन इतनी ज़्यादा नहीं थी. हाउएवर जो बड़े सेगमेंट थे वहाँ पे बिजनेसेस ने ये कोशिश की कि वो अपना होल्ड रखें, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, मिलिट्री है. यहाँ पे गवर्नमेंट के भी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रही और रहती भी है. द फ्यू हु वेंचर्ड इन टू इंडस्ट्री एंड वर सक्सेसफुल डिस्कवर दैट अदर्स क्विकली फॉलोड देम इन टू सेम बिजनेस, एंड बहुत सारी वहाँ पे फिर कंपटीशन इंक्रीज हो जाता था. सून देयर वर फार टू मैनी कंपेटिटर्स इन वन स्मॉल मार्केट. न्यू वेंचर फिर फेल होना स्टार्ट हो जाते थे क्योंकि सेचुरेशन डेवलपिंग कंट्रीज की इन मार्केट्स में हो जाती थी. इसका नतीजा क्या निकला? पोटेंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट बिकेम इवन हार्डर टू फाइंड. बहुत सारी सिचुएशन हो गई और पोटेंशियल न्यू बिजनेसेस को लॉन्च करने के लिए गैप्स फाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया था. इन ऑर्डर टू इनकरेज लोकल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि किसी तरीके से उसको कंपटीशन की फिजा को बहाल करे. उसने टैरिफ्स और इम्पोजिंग कर दी कोटास की इम्पोर्ट्स पे. इसके साथ साथ मैनी गवर्नमेंट लाइसेंस किया उसने लोकल प्रोडक्शन को. फॉर एग्जाम्पल, ईरानियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया टू इशू फर्दर लाइसेंस फॉर न्यू फैक्ट्रीज वंस जो उसकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो पुरानी फैक्ट्रीज ने फुलफिल कर दी. अभी रिसेंटली डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमीज में ट्रांजिशन आई है, चेंज आई है. बहुत सारी कंट्रीज ने मार्केट लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया. मार्केट लिबरलाइजेशन क्या था? ये कंपटीशन को इनकरेज कर रहे थे वेयर जहाँ पे पहले मोनोपलीज थी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, वहाँ पे अब कंपटीशन की इनकरेज कर रहे थे, उसके फ़िज़ा को बहाल करा थे, लिबरलाइज कर दिया उन्होंने, आज़ाद कर दिया बहुत सारे बिजनेसेस को. सो प्रोडक्शन लाइसेंसिंग इज ऑफन रिलिंक्विश्ड, इम्पोर्ट कंट्रोल्स रिलैक्स किए, होस्ट गवर्नमेंट को कंपटीशन इनकरेज किया उन्होंने, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट्स में उन्होंने बनाया. ये आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा नज़र में आया होगा. इंडिया ने लिबरलाइज किया तो बहुत सारी कंपनीज एंटर हुई जिसमें सुजुकी, होंडा, पेप्सी, कोक वगैरह सब सर फहरिस्त हैं. डेवलपिंग कंट्रीज जो फॉरेन कंपेटिटर्स हैं ऑफन जो है वहाँ पे फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेशर होते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स उन्हें कर दिया जाता है कि वो बाहर से मटेरियल इम्पोर्ट नहीं कर सकते, वर्कर इम्पोर्ट नहीं कर सकते, या रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी कंपनीज को फेस करनी पड़ती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में. अब डेवलपिंग कंट्रीज में एक चेंज ऑफ एटीट्यूड कैसे हुआ, इमर्जिंग वर्ल्ड में कैसे कंपटीशन की तरफ चेंज हुआ? सम प्रेशर ये बहुत सारी एजेंसीज की वजह से हुआ जो कि इमर्जिंग वर्ल्ड की एजेंसीज हैं, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिमूव की बैरियर्स, रिमूव कराई इम्पोर्ट्स पे, तो उन्हें मजबूर किया कि कंप्लाई करें विद रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ WTO. इंडिया में खास तौर पे WTO ने बहुत रोल प्ले किया अपने मल्टीनेशनल को अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करने में. आज के लेक्चर में हमने पार्ट वन ऑफ या पार्ट ए ऑफ ग्लोबल कंपेटिटर्स के चैप्टर का डिस्कस किया जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने डिस्कस की, जैसा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपटीशन पे बात हुई. देन हमने स्ट्रेटजिक ऑप्शन फॉर लोकल फर्म्स की बात की कि कैसे लोकल फर्म्स कंपीट कर सकती हैं और करती हैं. इसमें हमने ग्लोबल फर्म्स देखा कि कैसे ग्लोबल फर्म्स के खिलाफ कंपीट कर सकती हैं, जिसमें हमने 4 स्ट्रेटजीज देखी जिसमें क्रॉस कंट्री सब्सिडाइजेशन, कंट्रपेरी ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड मूव्स एंड टारगेटिंग ऑफ ग्लोबल कंपेटिटर्स, ये इंक्लूडेड था. देन हमने देखा ग्लोबल फर्म्स कैसे लोकल फर्म से कंपीट करती हैं, लोकल फर्म्स के पास क्या ऑप्शंस हैं, उस पर डिफेंडर स्ट्रेटजी, एक्सटेंडर, कंटेंडर एंड डॉजर स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की. देन कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपटीशन हमने इन डिटेल डिस्कस किया. ये पार्ट ए था हमारे एक चैप्टर ग्लोबल कंपेटिटर्स का, ग्लोबल कंपटीशन का. ये पार्ट बी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.